और एक ही टैलेंट नहीं, वो सारे टैलेंट कभी कभी ऐसे भगवान एक इंसान को दे देता है, और जब एक इंसान को इतने सारे टैलेंट दे देता है तो उसको हम बुलाते हैं हरफन मौला। वाह, तो आज एक ऐसे ही हरफन मौला कलाकार को हम यहाँ पे बुलाने जा रहे हैं। प्लीज वेलकम एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एंकर, सिंगर, द वन एंड ओनली मिस्टर अनु कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आपने यहाँ पे याद किया। हमारी खुशकिस्मती है सर, और आप इतने हैंडसम लग रहे हैं, कसम से यूरोप साइड के डॉन लग रहे हैं आप। इतने हैंडसम लग रहे हैं और फिट भी कितने अनु सर, नहीं तो मैं सोचता हूँ जितना टैलेंट भगवान ने आपको दिया है किसी आम आदमी को दिया हो तो 5-7 किलो चर्बी वैसे चढ़ जाए कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। सर लेकिन आप इतने फिट कैसे रहते हैं? सर ऐसा है कि अगर आप लोगों की दुआ रही तो 3-4 महीने बीत जाने के बाद 65 साल कंप्लीट कर लूं। अरे वाह, गॉड ब्लेस। और एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे। जी सर। कि असल में महात्मा गांधी को महात्मा जो टाइटल दिया है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। अच्छा जी, ठीक है जी। और वो उनको गुरुदेव बुलाया करते थे, शांति निकेतन में थे, शाम के टाइम पर गांधी जी उनके शैले जो भी थे उनकी कुटिया के सामने पहुंच गए और कहा कि गुरुदेव चलिए टहलने चलते हैं। गुरुदेव आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे, कहने महात्मा जी आप मुझे 10 मिनट दे दीजिए आप, ये कह के वो अपने अपने जो शैक है उसके अंदर चले गए। अच्छा जी, 10 की जगह 15 हो गए, 15 की जगह 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, गांधी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। अंदर गए तो क्या देखते हैं, एक फुल मिरर के सामने रविंद्रनाथ टैगोर कंघी लिए बड़े तरतीब से अपने बालों को सजा रहे हैं, देख रहे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, सज रहे हैं, शोला श्रृंगार कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा गुरुदेव इस उम्र में ये सजना धजना ये श्रृंगार। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी से कहा कि महात्मा जी जब तक जवानी थी तब तक तो चल जाता था, बुढ़ापे में मैं किसी को अगली या असुंदर लगूं ये बहुत बड़ी वायलेंस की बात है। ठीक है ना? अंकल जब आपको कोई बोलने लगे एक्सेप्टेड। एक प्रोग्राम में मैं गया तो मैंने यही बात कही आप लोगों की अगर दुआ रही तो 63 साल का हो जाऊंगा। अब एंकर को तो कुछ बोलना है तो वो बोले नहीं नहीं अन्नू जी आप तो दिल से अभी भी जवान हैं। मैंने उनकी तरफ कहा अगर कोई किसी स्टेज पे जाके ये बोले कि अभी तो दिल से जवान है तो इसका साफ मतलब है कि जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। Let's be practical. ये बच्चा है, मैं उम्र में बहुत बड़ा हूं, ये मुझे प्यार करते हैं, आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, वही काफी है यार, और क्या चाहिए। अरे लव यू सर, खत्म हो गई बात, फॉलो द स्क्रिप्ट। अच्छा अनु सर के बारे में आप सब जानते हैं कि अनु सर फिल्मों में ये हैं, टीवी में ये हैं, थिएटर में ये हैं, वेब सीरीज में ये हैं, रेडियो में ये हैं, यहाँ पे भी ये हैं, अभी पीछे वहां पे भी आप थे। सर हर जगह आप हैं, घर जाने का मौका मिलता है कि घर वाले भी आपको रेडियो पे ही सुनते हैं या टीवी पे देखते हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट, काम किया और घर वापस आ गए, ठीक है, बाहर वाली कोई है नहीं तो घर वाली, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छा। मुझे बिल्कुल गलत मत समझना, मैं तो काम इसलिए करता हूँ कि मुझे पैसा मिलता है, पैसा ही मेरा धर्म ईमान है। परंतु पैसे के लिए ना मैं आपकी जेब काटूंगा, ना आपका गला घोटूंगा, ना चोरी करूंगा और देश को नहीं बेचूंगा। लव यू सर, पैसा ही नहीं। और जिनका धर्म ईमान पैसा नहीं हो, हमारे पास कपिल शर्मा के शो में आए, अपने सारे बिलियंस हमें दे दें हमारे। ओहो सर बहुत बहुत स्वागत है, मजा आ गया, आइए। अच्छा सारे दर्शक जानते हैं अनु सर को, इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको बॉलीवुड का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। Absolutely. अच्छा, और हमने तो कुछ चीजें सुनी है सर कि आजकल की यंग जनरेशन जो आ रही है, नए नए एक्टर्स, वो भी कभी कभी अनु सर को फोन करके बोलते हैं कि सर मैं फलाने फलाने का बेटा हूँ, अब आप बताइए महेश भट्ट मेरे क्या लगे।
अच्छा मजे की बात है ये बता भी देते हैं सर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है आपके पास? मैं आपसे मिला था 2012 में पहली बार आज के दौर का सुपरस्टार जिनका नाम है कपिल शर्मा वहां पर फिल्म फेयर अवार्ड के बाहर बड़े लोगों का इंटरव्यू ले रहा था क्या क्या करें क्यों इसके लिए समझे तो इस वजह से क्या होता है कि जब आदमी को सही राह पे चल के पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो आदमी उसमें मन लगा के काम करता है कहता है यार कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑथेंटिक भी हो और इंटरेस्टिंग भी हो इसलिए वो होता इन्फॉर्मेशन इज मनी एंड यू हैव ऑल द फिल्मी इन्फॉर्मेशन पॉसिबल फिल्मों के अलावा भी अलावा भी नहीं संगीत के बारे में पूछ लो फिल्मों के बारे में पूछ लो अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपने रिश्ते नातों की बात की हम भी रिश्ते नाते बताते हैं कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा और विजेता पंडित में मतलब क्या पारिवारिक रिश्ता है अरे विजेता पंडित और शत्रुघ्न सिन्हा में फैमिली कनेक्शन क्या है कितना ही दूर का हो लेकिन फैमिली कनेक्शन होता है तो विजेता पंडित के पिताजी पंडित प्रताप नारायण के बड़े भाई पंडित मणिराम की बोटी बेटी योगाई शर्मा और स्वर्गीय आस्करण शर्मा की पुत्री महिमा के हस्बैंड नील की पत्नी पूनम के हस्बैंड है शत्रुघ्न सिन्हा ओह माय गॉड समझ नहीं आया एक तो मैंने कहीं से किस्सा सुना कहते कि अनु सर निकल रहे थे तो कोई डायरेक्टर बैठा था उसको देख कहते बता दूंगा वो डर के बोलता जो रोल करना कर लो पता नहीं कौन सा किस्सा कहां बता दे मैंने कहा सबकी जन्म पत्रिया मेरे पास है सर आपको इतने पूरे विश्व की नॉलेज है आपको अर्चना जी के बारे में कुछ बता सकते ये यहाँ कैसे मतलब आई शैतानी सवाल है वो जहां से आए थे वहां से ही आई हम सब आना जाना लगा रहता मेरा आना है लेकिन जाना नहीं होगा यहां से अनु देखो देखो अर्चना जी जाने से ना आने से घबराना और ना जाने से घबराना और जब तक यहां पे रहना एंजॉय करना लाइफ बिल्कुल अच्छा यहाँ पे अनु सर ने बात बदल दी मैंने बोला अनु सर को मैंने कहा सर अर्चना जी के बारे में कुछ बताइए क्योंकि वो यहाँ कैसे आई कहते मैं किससे सुनाता हूँ घोटाले नहीं भैया आर्टिस्ट हैं उनका घोटाले से कोई लेन देन नहीं है मेरा लेन देन बिल्कुल देखो आप एक आर्टिस्ट दूसरे को कैसे मोटिवेट कर मैं ऐसा कुछ नहीं सोच के आया था लेकिन ये आर्टिस्ट का कॉन्फिडेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड कलाकारी टैलेंट ने बड़े बड़ों को बोलने पे मजबूर कर दिया सर आजकल जो चल रहा है आजकल मीडिया में आप पता नहीं आप न्यूज देखते कि नहीं मतलब कोई मुद्दे की बात नहीं होती आजकल कुछ भी दिखा रहे हैं टीवी पे कपिल भाई आप छोटे भाई और बच्चे की तरह हो मैं सिर्फ इसलिए नहीं देखता हूं कि आपका देश करप्ट और टुच्चे और बेईमानों का देश है ये कोई न्यूज हुई क्या ये कोई न्यूज नहीं है ये तो सत्य है ये न्यूज नहीं है न्यूज पता है क्या है कि बोरीवली स्टेशन के सामने भाऊ बीज के दिन एक लड़की बैठी ऑटो के अंदर और उसके पास एक बैग था छोटा मोटा कोई 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी थी वो उसी ऑटो रिक्शा के अंदर भूल के चली गई दूसरी सवारी जब ऑटो वाले ने बिठाई तो उसने देखा सवारी ने कहा ये कुछ पड़ा हुआ भाई ऑटो रिक्शा गरीब था घाटकोपर का रहने वाला पावले तो उसने देखा कि ये क्या है वो सीधे पहुंचा बोरीवली स्टेशन उसने कहा साहब एक बहन जो है ये छोड़ के गई है उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवा दीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ पूरे दिन भर की दिहाड़ी छोड़ के वो रिक्शे वाला वहां पे खड़ा रहा जब तक कि वो बहन नहीं आ गई अरे न्यूज ये है यार वैसे तो इंडिया के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी जो हैं स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं जी शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए किसी तो चुप के सर आप शुरू से शरारती थे आपकी प्रेजेंस आप नौजवानों के साथ नौजवान बनने की कोशिश नहीं कर रहा लेकिन आप जिस दिशा में मुझे बहा रहे हो चलो मैं अरे क्या बात है सर बड़ा कुछ क्रेडिट गोस टू यू सर हम इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं सीखते आ रहे हैं और आज बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आप हमें लव यू सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अच्छा अनु जी का नाम जो है पूरा अनिल कपूर है
तो सर ऐसा कभी हुआ कि अनिल कपूर साहब जो हैं, उनका चेक आपके नाम पे आ गया और आपने देखा हो मेरी तो इतने पैसे में बात नहीं हुई, ज्यादा आ गए हैं, कभी ऐसी गड़बड़ हुई है? जी बिल्कुल। बात ऐसी है कि अनिल कपूर जो है वो उम्र में शायद आई थिंक दिसंबर बॉर्न है और वो 1957 बॉर्न है, तो मैं मेरे साथ के ये जो है अनिल कपूर और सनी देओल और जैकी श्रॉफ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं उनसे बड़ा हूँ। अच्छा जी। सो भैया हम जब आए यहाँ पर तो एक पिक्चर साथ में करते मशाल, वो हीरो जी है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, ना शक्ल है, ना सूदत है, ना पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 4,000 रुपए में दिलीप कुमार के पीछे खड़ा कर दिया। अच्छा, यश चोपड़ा, मेरा तो टोटल फुल एंड फाइनल पेमेंट ही 4,000 था, लेकिन यश चोपड़ा के ऑफिस से इस तरह कुछ हो गया कि अनिल कपूर के नाम का रुपए 10,000 का चेक काट देता। अच्छा जी। और मैं गया राजकमल स्टूडियो में तो उन्होंने चेक मुझे दे दिया। अच्छा, जब वो चेक मुझे दिया तो 10,000 देख के मुझे लगा कि हम जैसे टीचरों की जिंदगी में चमत्कार कैसे हो गया यार। तो फिर मैंने कहा, मैंने ऊपर वाले को मैंने कहा, प्रभु ईश्वर जो भी है तू, गणपति गजानन विघ्नहर्ता, तूने ये चमत्कार मुझ पे कर दिया, बड़ी कृपा दृष्टि है तेरी, 10,000 का चेक दे दिया। पता नहीं यश चोपड़ा के मन में मेरे लिए दया आ गई हो, गरीब के लिए दया। गरीब के लिए दया आ गई, इसलिए उन्होंने कहा फुल एंड फाइनल पेमेंट का 2.5 गुना लेके चला जा। तो आज अब संयोग से के 2-3 दिन के बाद बोनी कपूर जब गया अपने भाई का पेमेंट लेने के लिए, तो वहां अकाउंटेंट ने बोल दिया कि भाई 10,000 का चेक हो गया। अब इनकी बारी थी कि कौन सा 10,000 का चेक यार। कहने नहीं आप लेके चले गए तो कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया होगा। बहरहाल उन्होंने रिएक्ट किया कि प्रूव हो गया सर कि चेक बोनी कपूर के भाई को नहीं दिया गया है, कोई और आया है दिल्ली से। अच्छा। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना टोइया, वो उसको 10,000 रुपए। इत्तेफाक से आप देखिए अर्चना जी कि उस वक्त इस गरीब का बैंक अकाउंट तक यहाँ पे नहीं था। अच्छा। तो अब जब जाएंगे तो चेक डालेंगे ना। अच्छा। तो चेक वो का वही पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ये चेक मेरे ब्रदर हीरो अनिल कपूर का है। मैंने कहा जी लो ले लो, इतना ईमानदार था मैं। क्या बात है। ऐसा। अच्छा, उनका नाम भी सेम था, चेक आ गया, हालांकि विद्रोह भी कर सकते कि नहीं मेरा ही है। हाँ। अर्चना जी का तो किसी से नाम भी नहीं मिलता, फिर भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब का चेक उठा देती है। आई विश। अच्छा एक चीज अर्चना जी, आपने हमेशा नोटिस की होगी कि अनु सर जो भी करेक्टर करते हैं, मैं जितनी भी इनकी फिल्में देखी है, ड्रीम गर्ल हो या जॉली LLB हो या हम हो या जितनी भी आप फिल्में देखो, पर एक हमने देखा जब आपने बड़ी 26 साल की उम्र में शायद 70 साल के बूढ़े आदमी का करेक्टर किया था, तो आपने उनको कहा नहीं कि चॉकलेट खाने की उम्र में मेरे को आप च्यवनप्राश वाले रोल दे रहे हो। तो उसमें मतलब पेमेंट ज्यादा मिली थी कि रिस्पेक्ट ज्यादा थी इसलिए कर लिया आपने? मेरे बड़े ब्रदर श्री रंजीत कपूर ने वो प्ले डायरेक्ट किया था दिल्ली। अच्छा जी। बड़े बड़े महारथी थिएटर के, श्री पंकज कपूर, श्री SM जहीर, श्री KK रैना, श्री MK रैना, बड़े बड़े, और मुझे ये रोल दे दिया। मैं तो अपसेट जी, 15 दिन की रिहर्सल में मुंह फुलाए बैठा रहता था, मतलब डायलॉग बोल रहे हैं तो मतलब देश पे एहसान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा एटीट्यूड। सो मैंने अपने ब्रदर की शिकायत अपने एक और भाई श्री अनिल चौधरी, जिनके बारे में कहता हूं कि शायद सबसे पहले मेरे अंदर जो कुछ भी प्रतिभा के कीटाणु थे सबसे पहले उन्होंने पहचाने जब मुझे कबीर का रोल दिया उन्होंने। तो मैंने अनिल भाई साहब, अनिल चौधरी साहब से शिकायत की, मैंने कहा देखिए 70 साल के बूढ़े का रोल कर दिया। उन्होंने मेरे ब्रदर से भी कहा कि अन्नू बहुत अपसेट है। मेरे ब्रदर ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, मुझे अनिल भाई साहब ने कहा तू कुछ कर कर कर। तो एक दिन मैं 15 दिन के बाद में बैठा हुआ था एंड सडनली डायलॉग बोलने का टर्न आया, तो मुझे हमारे थिएटर कंपनी के ताऊ जी याद आ गए, दांत उनके। तो जब बोलते थे इस तरह हवा निकल रही है, तो मैंने ये कर दिया और मेरे ब्रदर को कहा यस। अच्छा। और इस तरह से सडनली वो कैरेक्टर निकल गया। क्या बात है। और उसकी वजह से थोड़ा सा जब हम लोग प्ले लेके यहाँ पर आए थे तो बड़े बड़े लोगों ने देखा और एक वो प्ले एक जरिया बन गया यहाँ तक आप सब लोगों के सामने पहुंचा। क्या बात है। ब्यूटीफुल जर्नी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.